जो केमिकल प्रॉपर्टीज था उसमें रिएक्शन विथ मेटल्स, वो तो सोडियम के साथ था ना, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन, ये तीनों बता चुका था। और फिर उसके बाद रिएक्शन विथ मैग्नीशियम स्टार्ट किया था, याद है ना? ऐसे देख रहे हो तो कैसे लगेगा, स्टार्ट ऐसे था ना इसके बाद मैग्नीशियम का, उसमें भी कुछ बता चुका था। रिएक्शन विथ मेटल्स में हम लोग मैग्नीशियम टॉपिक पर थे और उसमें ये बातें हो चुकी थी कि हेलो एल्केन्स जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको कहते हैं, ये बनता है, ये बात हुई थी ना। तो वहाँ पे हम लोग ये रिएक्शन भी लिखे थे Rx प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स RmgX, ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। और ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ये बताया था ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड किसको कहते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड रिवाइज थोड़ा करके आना है जिस कंपाउंड में, कॉपी में तो है ही भाई, कॉपी में रहने से क्या, कॉपी में है और क्लास में थे तो दिमाग में होना चाहिए, बता रहे थे ना, क्लास में थे ना तो फिर दिमाग में भी तो होना ही चाहिए। तो खैर, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे R मतलब क्या, कोई कार्बन तो है एल्काइल ग्रुप और यहाँ मैग्नीशियम, तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, समझ गए, इसको ध्यान रखना है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन है ना, because in the presence of moisture because in the presence of moisture Grignard reagent gets converted into hydrocarbon gets converted into hydrocarbon, mainly वो एल्केन होता है। देखो जैसे अगर मान लो यहाँ पे एब्सोल्यूट ड्राई कंडीशन नहीं होता, समझते चलेंगे ध्यान से, ठीक है, अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट ड्राई कंडीशन नहीं होता, मतलब पूरी तरह से अगर ड्राई नहीं होता या थोड़ा बहुत मॉइस्चर यहाँ पे नमी प्रेजेंट होता, तो उस कंडीशन में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाते हैं। यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बनाते हैं तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल सूखा हुआ हो कंडीशन, ठीक है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा या वाटर प्रेजेंट होगा तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है मगर वो फिर तुरंत हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और मेनली एल्केन। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई मॉइस्चर होता सपोज, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ऐसे ही रिएक्ट करके बन जाता और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है यहाँ पर RmgX वो मॉइस्चर से कंबाइन कर जाता, मॉइस्चर यानी वाटर H2O उससे कंबाइन हो जाता और इस तरह से MgOHX बन जाता और RH मतलब कोई हाइड्रोकार्बन हो गया और MgOHX
तो ये हाइड्रोकार्बन है मेनली, यहाँ पे अगर एल्काइल लिख दिए तो एल्केन। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि C2H5 MgCl वाटर, C2H5 MgCl और प्लस वाटर, तो R ये है और H, तो C2H6 हो जाएगा। C2H5 एक H लग गया तो C2H6 हो गया, और यहाँ पे OH बचेगा तो MgOHCl। कैटलिस्ट नहीं था लास्ट क्लास में, तुम नहीं थे, वो मीडियम है, हम लोग ड्राई इथर मीडियम में करवाते हैं, दैट इज़ नॉट अ कैटलिस्ट। ठीक है, वो मीडियम में वो रिएक्शन होता है, तो जिस मीडियम में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं दैट शुड बी एब्सोल्युटली ड्राई, वो पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा है समझ गए? क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है इसलिए, और हमें चाहिए तो ग्रिग्नार्ड एजेंट था, मगर वो हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, तो अगर ड्राई कंडीशन नहीं रखोगे तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कोई और भी ले सकते हैं एग्जांपल, एक मैं ले लेता हूँ और, जैसे कि साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। ठीक है, ओके, या फिर इसको ऐसे समझ लो ज़्यादा बेटर है, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, एक कोई एल्काइल हैलाइड ले लिए, इसको मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये बन जाएगा, और ये जो बना इसमें अगर मॉइस्चर मान लो यहाँ पे प्रेजेंट होता सपोज, तो क्या ऐसे, तो अगर मॉइस्चर नहीं है तब ये बन के रुक जाता, अगर मॉइस्चर है तो क्या होगा? R H, तो इसमें एक H लग गया और MgOHX ये बन गया। ठीक है, इस तरह से है ना, ये चीज़ होता है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन बन गया। लास्ट क्लास में नहीं आए थे, आराम करो, तुम लोग क्लास को इतना मजाक बनाते हो ना, क्या बोला जाए, ये क्या तरीका है, इतना 4 महीने का छुट्टी मिला तब भी नहीं होश में हो, अभी भी ऑल्टरनेट का ऑल्टरनेट हो रहा है तुम लोग का। 10.9 इन टेक्स्ट दिखा सबको, 10.9 लास्ट क्लास में मैं सोडियम के साथ रिएक्शन बता चुका हूँ, उर्ज रिएक्शन वगैरह। ठीक है, तो 10.9 क्वेश्चन जरा पढ़ो, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर, ठीक है, एंड आर डैश इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो ए हो जाएगा, ये अभी जस्ट मैं बताया था, ए हो जाएगा ना, अभी जस्ट बता रहा था, फिर वाटर डाले तो बी क्या होगा, बी का नाम देखो ये जो है ना ऐसे, ये अब मैं तो मिटा भी दिया, अभी जस्ट लिखा था इसको, ये 10.9 है इन टेक्स्ट, ये BR साइक्लोहेक्साइल, अभी जस्ट ये एग्जांपल लिखे थे ना, ड्राई ईथर, तो क्या बन जाता है? साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, तो ये हो गया ए, कंपाउंड ए, और जब हम लोग इसमें वाटर डाल देंगे तो
साइक्लोहेक्सेन बनेगा, पहले ये ना लिखोगे, और प्लस MgOHBr होगा, तो MgOHBr तो साइड प्रोडक्ट है, यहाँ पे B बोला तो ये हो गया B, वो तो साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो A वो था, B ये हो गया, क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो, जोर से बोलो। प्लस MgOHBr लिख देंगे तो वो तो बनता ही है, मगर साइड प्रोडक्ट है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में साइड प्रोडक्ट जब बोला जाता है तभी लिखना चाहिए, या कंप्लीट द रिएक्शन रहेगा तब लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेन प्रोडक्ट B, एक ही B बोला ना, B प्लस C अगर लिखा रहता तो B में हम इसको लिखते, प्लस C में MgOHBr लिखते। अगर दो बन रहा है और एक ही प्रोडक्ट बोल रहा है बताने, यानी कि मेजर प्रोडक्ट तुमसे पूछ रहा है, तो मेन प्रोडक्ट तो ये हुआ ना, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, दूसरा देखो, दूसरा भी वही है, RBr प्लस Mg, तो RMgBr, फिर D2O, D2O क्या होता है, D जो होता है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ड्यूटेरियम है ना, तो उसको हैवी वाटर भी बोला जाता है, D2O को हैवी वाटर या ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो इसमें जो है देखो, RBr ध्यान देंगे, प्लस Mg, ठीक, और फिर ड्राई ईथर, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा C, C बोल रहे हैं, और फिर उसमें जो है हम लोग D2O डाल दिए, उसमें हम लोग D2O डाल दिए, तो D2O डालने के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो CH3CH CH3, और यहाँ पे D लग गया, D मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन, जैसे H लिखते हैं तो वैसे ही हाइड्रोजन का एक आइसोटोप, तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम, तो प्रोटियम को P लिखते हैं, ड्यूटेरियम को D लिखते हैं, ट्रिशियम को T लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे D का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, सिंपल समझ लो, एक आइसोटोप से होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जब इससे रिएक्शन करेगा तो RMgBr बनेगा, और जब हम लोग अगर यहाँ पे वाटर डालते H2O तो RH बनता, D2O डाले तो क्या बनेगा, RD बनेगा। अब यहाँ पे RD लिखा हुआ है तो D तो हो ही गया, तो R यानी कि ये है, R यही है ना, तो और ये भी ध्यान रखना है, ये D यहाँ नहीं लगा है, अगर D वहाँ लगा रहता तो प्रोपाइल होता, नॉर्मल प्रोपाइल, बीच से लगाया तो आइसो प्रोपाइल, तो यानी कि R जो है वो क्या होगा, R इक्वल्स टू ये होगा, और यहाँ से D लगा है, एक दो तीन, और बीच वाले कार्बन से D लगा हुआ है, ठीक है, बोलो R D, तो D तो है ही, तो R क्या होगा, ये होगा ना, और बीच वाले से कार्बन से लगाया तो बीच वाले कार्बन पे एक बॉन्ड डाल दिया, एक ही बात है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको भी यहाँ कर दें और यहाँ एक बॉन्ड छोड़ दें, बात वही हुआ कि बीच वाले कार्बन से लग रहा है, ऐसे करो चाहे ऐसे, आइसो प्रोपाइल मतलब होगा। तो R बताना है ना क्वेश्चन में, R बताना है हम लोगों को, तो R क्या हो गया, आइसो प्रोपाइल, R हो गया आइसो प्रोपाइल, ये चीज, ठीक है। एक और जो लास्ट में है, ये समझ गए हो, इसको मिटा दे रहा हूँ, वीडियो में फिर देख लोगे तो हो जाएगा, आइसो, जोर से बोलो, क्या नहीं आ रहा है इसमें, कुछ नहीं आ रहा है तो बोलो, लास्ट में किसका बाइब्रेट, इसमें तो वो तो MgOHX होता है, वो तो कांस्टेंट है। अब यहीं पे जैसे जब हम लोग ये डाल देंगे तो क्या बनेगा, MgOHX बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वाटर जैसे है, मान लो हम वहाँ पर यहाँ पे जैसे वाटर डाले, तो वाटर H2O लिखते हो ना, HOH, तो HOH हुआ, HOH हुआ, तो RD, तो जो बचेगा MgOHX बोलते हो,
तो एम जी ओ एच एक्स क्या हुआ, एम जी ओ एच और एक्स, तो एच की जगह पे डी लिखे हुए, डी भी एक हाइड्रोजन है, तो इसमें क्या नहीं समझ आ रहा, वो साइड प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, वो तो एम जी ओ एच एक्स ही होगा हमेशा, इसमें समझना क्या है, एक्स जो होगा, जो भी इधर लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे बी आर लिखा हुआ है, मैं अभी समझा रहा हूँ ऐसे, जैसे बी आर था तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी आर लिखेंगे और क्या, हैलोजन हो गया, तो सब तो कांस्टेंट ही है, क्या बोलो बोलो अभी बोलो, फिर दिक्कत होगी ना, बोलो क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं वो नहीं, वो ये कह रही है कि अगर इसके जगह पे मैं ऐसे लिख दूँ CH3 CH2 CH2 D, ऐसे ही कुछ कह रही हो ना, तो वो और ये अलग नहीं हुआ, वो नॉर्मल हुआ और क्या, जैसे तो पड़े हुए, और एक्चुअली तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे कैसे समझेगे यहाँ डी लगेगा, ये मैं समझा नहीं, ये वहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है ना कि ये बन रहा है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब बीच से लगा ना डी, बीच वाले कारण पे लगा, अगर वो नहीं दिया होता तब यहाँ पे आर मुझे जब पता रहेगा तभी ना समझ पाएंगे, जिस कार्बन से मैग्नीशियम लगा होता है उसी कार्बन पर एच आएगा, समझे, जिस कार्बन पे अगर मान लो जैसे ऐसे अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ठीक, और अगर हम इसमें D2O डालते तो मैग्नीशियम इस कार्बन से लगा है ना, तो इस कार्बन पे डी लगता, यानी वो अलग प्रोडक्ट बनता, तो ऐसे होता, ऐसे बनता, अब यहां पर अगर ऐसे है ये, इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये बोलेंगे, तो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में तुम वाटर डालोगे D2O, तो डी कहाँ लगेगा, इस कार्बन पे लगेगा, क्योंकि मैग्नीशियम इस, चूँकि बॉन्ड यहाँ से ना टूट रहा है तो यहाँ से किस हिसाब से आके लगेगा, तो CH3 CH CH3 और डी यहाँ पे लग जाता है ना, तो जहाँ से मैग्नीशियम हटता है वहीं से ना, वहीं पे कोई चीज़ आके लगेगा ना, ठीक है, तो आर बताना था, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ये वाला दिया हुआ है, तो हम क्या समझेंगे कि आर ये है ना जहाँ पे इससे लग रहा है, यानी कि इस वाले कार्बन से लगा हुआ था मैग्नीशियम, समझे, उसके बाद जो नीचे है एक और पार्ट है वहाँ पर देखो, है ना, देखो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख लिए हो, इसको समझो जरा सा कैसे है, देखो R डैश X और इस R डैश X को इस तरफ देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाया गया है, ठीक है, तो मिला D और D में फिर हम लोग वाटर डाले, ठीक, तो मिला E, ये है, और इधर देखो इसमें क्या है, इधर इधर हम लोग डाले हैं सोडियम और इथर लिखा हुआ है, इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि ड्राई इथर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट एक दिया हुआ है कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में है ना, और तुम्हें बताना है इसमें कि कौन क्या है, तो देखो लास्ट क्लास का वीडियो बोल रहे हो, देखे नहीं है, आए भी नहीं, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, ये जो है खेला तुम लोग का तो शुरू से चल ही रहा है, हालांकि उर्ज रिएक्शन क्लास 11th में भी पढ़े हो, रिवाइज किए नहीं हो गए, उर्ज रिएक्शन क्या था, RX हेलो एल्केन को जब हम लोग सोडियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, RR, ऐसा पढ़े हैं, एल्केन बनता है ना मेन प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट में NaX बाहर निकलता है, लास्ट क्लास में दिखाए थे, समझो देख लेना, ठीक है, ये ऐसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी समझ लो, इधर क्या है, देखो इधर उर्ज रिएक्शन क्लास 11th में पढ़ना था और यहाँ पे भी पढ़ना है, तो मैं लास्ट क्लास में यही सब बता रहा था, ठीक है, उर्ज रिएक्शन किसको कहते हैं,
तीन तरह का रिएक्शन होता है, शॉर्ट में समझ लो। एक ये रिएक्शन हुआ, अब इसको जब मुझे फिर से सारा रिपीट करना होगा। चलो देखो, ये जो रिएक्शन हुआ पूरा ही समझाना पड़ेगा फिर तो। सोडियम एक्स बाहर हो गया, बैलेंस अगर करोगे तो दो आर, यहाँ एक आर, तो ये बैलेंस हो गया। हुआ, ये नहीं होगा है ना, दो आर दो आर, दो एक्स दो एक्स, दो सोडियम दो सोडियम, ठीक है। इसी को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, आर एक्स दो लिए थे, दो मॉलिक्यूल, तो आर एक्स हो गया दो मॉलिक्यूल, ड्राई था। रेप्लिकेट यहाँ पे नहीं, वर्ड यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। देखो ये बाहर हुआ सोडियम हैलाइड, एन ए एक्स एन ए एक्स, दो एन ए एक्स बाहर हो गया, तो बचा क्या मेन प्रोडक्ट आर आर हुआ, ठीक है। तो ये एल्केन बना, इसको हम लोग बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। अगर हम लोग एक हेलो एल्केन ले लेंगे और एक हेलो एल्केन ले लेंगे और एक एराइल हैलाइड ले लेंगे ड्राइथर के प्रेजेंस में, तो ऐसे मिलेगा। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये उर्ज रिएक्शन, ठीक है। और अगर दोनों एराइल हैलाइड रहता है, दोनों एराइल हैलाइड ऐसे ले लिए, ठीक है, और दोनों एराइल हैलाइड जब रिएक्शन करेगा ऐसे ही ड्राई एथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, दो एन ए एक्स बाहर और ये जैसे आर का था वैसे ये दोनों जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाईफिनाइल या डाईफिनाइल। ये तो एल्काइल बेंजीन हो गया, ये एल्केन हो गया, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है फिटिंग रिएक्शन। ये तीन चीज़ बताए थे, अगर दोनों एल्काइल है तो उर्ज रिएक्शन, अगर दोनों एराइल ग्रुप है तो फिटिंग रिएक्शन, और एक एल्काइल एक एराइल ग्रुप है तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन, दोनों को मिला दिए, ठीक है। ये रिएक्शंस लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं, वीडियो अपलोड होगा तो तुम लोग देख भी लेना उसको ध्यान से, ठीक है। वहाँ पे मैं धीरे धीरे करके आराम से समझाया हूँ। तो देखो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसको अब जरा सा समझते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ दिया हुआ है, हम लोगों को बताना है R डैश क्या है, D क्या है, E क्या है, ये सब बताना है हम लोगों को, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो क्या है, ये चीज़ अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है, एरो का ध्यान दोगे, ये चीज़ अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है तो ये बना रहा है, फिर वाटर डाला है तो ये बना रहा है। इसी चीज़ को अगर सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये बन जा रहा है, तो ये एक उर्ज रिएक्शन है। ये जो दिया हुआ है क्या ये उर्ज रिएक्शन है, हाँ ना, कुछ नहीं है उर्ज रिएक्शन। अरे आर एक्स मतलब कोई एल्काइल हैलाइड, सोडियम डाले, सोडियम से रिएक्शन करा रहे हो ईथर के प्रेजेंस में, तो जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो उर्ज रिएक्शन, अभी ना देखे उर्ज रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो आर डैस एक्स है, उर्ज रिएक्शन जब होगा तो हम लोग अभी क्या पढ़े, आर डैस बनता है ये ना बनेगा, तो यहाँ लेकिन प्रोडक्ट बोल रहा है ये बन रहा है, ये बॉन्ड लाइन में लिखा हुआ है, बॉन्ड लाइन में ये कार्बन है कि नहीं, ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, आर डैस यानी दो सेम चीज मिला इधर और इधर, बीच से अगर बांट दोगे क्या दोनों सेम नहीं हो जाएगा, बात समझे। तो यहाँ बीच से बट गया, तो कहने का मतलब आर डैस जो है आर डैस वो क्या है, ये कार्बन डॉट वाला बीच वाला इधर सी एस थ्री ऐसे और इधर छोड़ दिया, क्या बोलते हैं इसको, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल और ऐसे है तो टर्ट ब्यूटाइल, क्लास 11th में बता चुका हूँ, एन ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल, ये चारों चीज़ बता चुका था, ठीक है। अगर बीच से ऐसे इस कार्बन से लगाया और तीनों कार्बन उससे लगा हुआ है तो ये एक टर्ट ब्यूटाइल है, सही है। तो आर डैस हमें पता चल गया,
इसी चीज को अगर हम दो बार कर दें, यहाँ पे भी सी सी एस थ्री सी एस थ्री लिख दें, तो ये आर डैस नहीं हो गया? तो यहाँ पे आर डैस जुड़ रहा है ना, तो ये आर डैस और ये आर डैस जब जोड़ दोगे तो ये बनेगा। तो आर डैस समझ में आ गया ना, ये आर डैस है चाहे ये आर डैस है, एक ही बात है, ठीक है? तो ये हो गया, आर डैस हमको पता चल गया। तो आर डैस जो भी है, ऐसे टर्ड ब्यूटाइल लिख दिए, ये हो गया आर डैस, और उससे एक्स लगा हुआ है। जब तुम इसमें मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे तो आर एम जी एक्स बनता है, अभी पढ़े ग्रिग्नार्डियंट, आर एक्स में एम जी डाले तो आर एम जी एक्स बनेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, हैलोजन जिस कार्बन से लगा होता है उसी कार्बन से मैग्नीशियम जाके लगता है, ठीक है? तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा, आर डैस एम जी एक्स। तो डी पता चल गया क्या है, ये डी हुआ ना, डी पता चल गया, टर्ड ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड, एक्स अपना कुछ भी हो सकता है। फिर तुम वाटर डाले और ई बन रहा है, तो आर एम जी एक्स में वाटर डालोगे तो आर एच बनेगा, पढ़े ना अभी, आर एच, आर एच मेन प्रोडक्ट होगा। तो आर, आर ये है और एच उस कार्बन जिससे मैग्नीशियम लगाया वहाँ एच लग जाएगा, तो एच लगा दिए, तो देखो ये बना। इसका योपैक नेम क्या है, एक छोटा सा कंपाउंड और योपैक नेम गलत बोले जा रहे हो सब, छोड़ो। ये पेरेंट चेन हो गया, ये ब्रांच है, तो टू मिथाइल प्रोपेन ना हुआ, गजब हाल है, पढ़ाई कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? टू मिथाइल प्रोपेन नहीं हुआ, चेन एक दो तीन ले लिए, तो इससे लगा कहीं से भी लो, ठीक है? तो ये हो गया, तो इस तरह से बन जाएगा। तो हमें पता चल गया ना ई क्या है, ई पता चल गया, नाम लिख ही दिया हूँ, डी पता ही है, आर डैस हो ही गया, हो गया, इस तरह से बनाना है, ठीक है? तो ये जो पार्ट था, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें हम लोग तीन हेडिंग्स देखे हैं, ध्यान दोगे, मैं स्टार्टिंग में बता भी चुका हूँ ये सारी बातें। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली हम लोग को तीन हेडिंग्स में देखना है, एक देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा हम लोगों को देखना है बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, और तीसरा रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है? तो ये सारा हम लोग देखे ना, मगर वो हेलो एल्केन्स के लिए देखें। अब हम लोग हेलो अरीन्स के लिए उसको देखेंगे, हेलो अरीन्स यानी बेंजीन से रिलेटेड, जिसमें उर्ज रिएक्शन या उर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन ये उसमें पढ़ना था, चूँकि बेंजीन आ रहा था, है ना? बट उसी तरह का रिएक्शन था, इसलिए मैंने वहीं पे ऑलरेडी उसको समझा दिया है। तो जो पार्ट और थोड़ा रह गया है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।